कोरोना संकट के कारण 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस डिजिटल तरीके से मनाया जाएगा, जिसकी देश दुनिया में तैयारियां की जा रही हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी ये जोर शोर से जारी है, जहां डिजिटल माध्यम से शैक्षणिक संस्थानों के साथ ही मठ मंदिर के लोग भी योग दिवस की तैयारियों में जुट गए हैं। प्रधानमंत्री की ओर से शुरू की गई मेरा जीवन मेरा योग वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता भी आयोजित की गई है, इसलिए आगामी विश्व योग दिवस पर वीडियो मीटिंग ऐप के माध्यम से लोगों को जोड़कर योग दिवस को मददगार बनाने में योग गुरु इंस्टीट्यूट और विश्वविद्यालय अपने अपने स्तर से जुट गए हैं। कुछ एप्लीकेशन हैं, जूम ऐप हो गया, व्हाट्सएप हो गया, जिसके द्वारा हम लोग यहाँ से लाइव आकर के जो भी हमारे मेंबर्स हैं ऋषि योगा के और अन्य जो लोग हैं जो हमसे जुड़ रहे हैं, उन लोगों को लाइव योगा सिखाया जाता है और कैसे उनको अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है उसके लिए लाइव ट्रेनिंग दी जा रही है और उसमें अच्छा रिस्पॉन्स हम लोगों को मिल रहा है। आश्रम मठ अखाड़ा परिसर में रह रहे संत पुजारी और सेवादार भी विश्व योग दिवस को लेकर काफी उत्साहित हैं। डिजिटल माध्यम से नियमित योग कर पाने का श्रेय वे डिजिटल इंडिया मुहिम को देते हैं। प्रातः योग करिए, अपने अपने घरों में करिए, भीड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है, समूह में जाने की जरूरत नहीं, अपने अपने घरों में लोगों को योग करना चाहिए और भगवत ध्यान करना चाहिए। योग से साधक ध्यान होता है, ध्यान से भगवत प्राप्ति होती है। छतरपुर में योग गुरु योग संस्थान इंस्टीट्यूट महाविद्यालय और विश्वविद्यालय सभी डिजिटल योग को लेकर काफी उत्साहित हैं। जिले के सभी संस्थान डिजिटल माध्यम से विश्व योग दिवस की तैयारियों में जुटे हैं। कोरोना संकट में लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर काफी जागरूक हैं, जिसका असर योग के प्रति भी लोगों का रुझान में साफ झलकता है। छतरपुर से अब्दुल राशिद खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ भोपाल।